ये लो जी आ गए हैं हमारे मिक्स पराठे सैंडविच, उधर आलू का पराठा, आलू प्याज का पराठा, बाकी सब मिक्स है सैंडविच। अभी देखते हैं खा के कैसे है। अच्छा ये वाले बटर लाया हो, दूसरा डाला था मैंने, नहीं वो भी चल जाता, वो दूसरा अमूल की टिक्की लाता, अमूल की टिक्की वाला नहीं लाया ना, ये लाया नहीं, उसमें पहले ये हाँ वो तो देसी था, ये सही है सही है, देसी चीजें क्यों खाइए, विदेशी खाइए, मतलब देसी था मतलब वो नकली सी। लो जी नाश्ता हो गया और अब चलते हैं आगे के सफर पे, निकलते हैं गाड़ियों में। हाँ नीहित ने अपना ले लिया चॉकलेट और आगे से जूस। हाँ आगे से लेगा जूस, तो चलो चलते हैं अभी आगे, मिलते हैं आपको सफर पे आगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, देखते रहिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहे वीडियो में। जलंधर पहुंच चुके हैं और अभी तो ट्रैफिक ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अच्छा है, सुबह धूप भी निकल गई है, बादल छट रहे हैं, जो कि यहाँ के लिए तो अच्छी खबर है, पर ऊपर फिर बर्फ़बारी उतनी ही कम होगी जितने ऑफ, जब तक हम पहुँचे बर्फ़बारी मिल जाए थोड़ी, लाइव स्नोफॉल देखने जा रहे हैं वही मिल जाए, यहाँ भी थोड़ी अच्छी हो गई। हाँ जी बेटा, हाँ हम बहुत सारी स्नो में खेलेंगे, जलंधर को क्रॉस कर रहे हैं, जलंधर छाव टेंट एरिया को, यहाँ से लगभग हमें लगेंगे हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए 6 घंटे, 6 घंटे अभी दिखा रहा है, बाकी डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। देखिए आपसे जलंधर के लिए चला गया सीधा ब्यास अमृतसर, ये रोड मेरे हिसाब से सही है, इधर से आए हम अंदर से, इधर से ट्रैफिक हमें बहुत कम मिला है, आगे देखते हैं अभी कैसा रहेगा ट्रैफिक, आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। अभी यहाँ से हम टर्न हो गए हैं पठानकोट की तरफ, ये सीधा चला गया रोड अपना अमृतसर और हम इधर जा रहे हैं पठानकोट की साइड, तो यहाँ से जा रहे हैं आगे, यही रास्ता सीधा उधर धर्मशाला भी निकल जाता है, तो यहीं से हम लोगों ने की थी कैंपिंग, कहाँ पे, पोंग डैम, पोंग डैम भी इधर से जाता है रास्ता, यहीं से गए थे हम, तो इसी रास्ते को कंटिन्यू करेंगे, ये आगे सही है रास्ता, ये भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, अभी तो यहाँ सिग्नल पे खड़े हैं, उधर काफ़ी जाम लग रहा था तो इधर से यू टर्न लेके आना पड़ा है, थोड़ा हल घूम के। ये अभी कोई नदी आई है पर नाम नहीं पता मुझे, पठानकोट क्रॉस करके ये नदी है, कौन सी नदी है यहाँ लिखा होगा, बोर्ड लगा हुआ है, देखते हैं अगर लिखा हुआ नदी का नाम, ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है ना इधर की नदियों वदियों, कौन सी नदी है यहाँ पे क्या है, बाकी रुपासी आपको होनी चाहिए थी, आप तो अभी रिसेंटली वो कर रहे हो ना, हर जगह थोड़े ना बताते कौन से, चलो कोई बात नहीं, ना यहाँ भी नदी का नाम लिखा हुआ है, चलो देखते हैं अभी, पर ट्रैफिक यहाँ पे बहुत है भाई, ट्रैफिक जाम लग रहा है पूरा, अभी तो देखो अगले दिनों में क्या होता है, अभी तो ट्रैफिक और बढ़ने वाली है, स्वर्ण जयंती द्वार आ गया इधर राइट में, मजे हैं भाई, मस्त सो रही है पीछे, डुगू फोन में लगा हुआ है, ड्राइव कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं, देखिए एक तरफ से हम जा रहे हैं, एक तरफ से ट्रेन, देखो उधर से ट्रेन जा रही है, देख लेना, कटरा अलग है उधमपुर अलग है।
आगे फिर हम जाएंगे आगे, तो हमें कटरा जाने का मतलब ही नहीं है फिर। तो कटरा तो जाना ही नहीं ना हमें। ये क्या है, बस स्टैंड अमरनाथ जी यात्रा। अच्छा, कठुआ ओके, हम पहुंच गए कठुआ गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बस यहाँ पता नहीं ना देंगे नहीं कुछ। हमने एंट्री कर लिया, क्या है, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, आपका स्वागत है जम्मू और कश्मीर में। वो रोड भी तो वही आ रहा होगा। यहाँ पे लड्डू, अपने उधर तो राम लड्डू बोलते हैं, यहाँ खाली लड्डू है बच्चे के साथ, पर हैं ठंडे, देखते हैं खा के कैसे हैं। ठीक है, सो सो है, उतने अच्छे नहीं है। हम जा रहे हैं कठुआ से उधमपुर की तरफ, सांबा होते हुए। अभी ये एरिया देखो, एरिया तो काफी सुंदर है, एकदम खड़े पहाड़। बारिश हुई है इधर अभी थोड़ी देर पहले, सड़क पूरी गिली है। हाँ। रास्ते में बूंदाबांदी तो हमें भी मिली थी हल्की फुल्की। देखो यार, इस रोड पे लोकल गाड़ियां ही है सारी, वैसी तो एक भी नहीं है। चलो देखते हैं कहाँ ये निकलेगा। मतलब ये मैप में तो यही रोड दिखा रहा है, वैसे हाईवे है शायद अब तो, श्रीनगर तक फोर लेन है शायद श्रीनगर तक, नहीं अब पता नहीं। ये इधर से क्यों लेके आए ये समझ नहीं आया, या तो ट्रैफिक की वजह से क्या है। चलो देखते हैं, पर है एरिया एकदम खूबसूरत। अब ये तो फॉरेस्ट एरिया है, 3:30 हुए हैं तो अभी है हमारे पास लगभग एक घंटा और चल सकते हैं। हाँ नहीं तो उधमपुर स्टे कर लेंगे। हाँ घंटा पौना घंटा चल के फिर स्टे कर लेंगे, कहीं देख लेंगे जहाँ भी कैंपिंग की लोकेशन मिल जाए। लो जी ये लोकेशन मिली है, यहाँ पे है थोड़ी रोड के ज़्यादा दूर नहीं है, पर लोकेशन अच्छी है। देखिए व्यू, ये उधमपुर के पास है और यहाँ से बिल्कुल, ये देखिए अभी सनसेट हो रहा है तो सनसेट का मज़ा यहाँ से हम ले सकते हैं। ये सनसेट का मज़ा लीजिए। और इस बीच हम लगा रहे हैं अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं। अब गाड़ियाँ लगा के हमारा टेंट खुल जाएगा इस साइड, टेंट खोल लेते हैं और करते हैं अपनी कैंपिंग स्टार्ट। तो ये कैंपिंग का हमारा आज फर्स्ट डे है और ये कम से कम 10 दिन की कैंपिंग हमारी होने वाली है। तो डे फर्स्ट आज ये हो रहा है, अभी थोड़ा सा और ये हम अपना जोड़ लेते हैं सेटअप और मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए फुल वीडियो। देखिए पूरा पीछे जंगल है, घर भी है, सेफ है, कोई ऐसा नहीं है, बच्चों के हिसाब से सही है। भाई कैंपिंग में अभी नोटिस किया हमने, इधर देखिए अपना सनसेट हो रहा है और इधर देखिए चांद भी निकल आया है, वाह, एक ही साथ। इधर दिन है हमारा, रात आया और इधर दिन है, वाह जी वाह। और बच्चे अपना अभी रेडी हो गए हैं, घूमने फिरने लग गए हैं। ये तो अपना खाने चल दिए, नीचे एक ढाबा है वहाँ पे। लो जी यहाँ पे रूपाशी के फ्रेंड बन गए। हाँ भाई क्या नाम है तेरा, क्या नाम है, ताऊ इसका नाम ताऊ है,
ये एक ही आई ये ताई वो ताई है। लो जी लग गया हमारा टेंट खुल गया जाम हो गया फटाफट अपनी किचन जमाते हैं। चलो भाई रूपाशी क्या होगी कॉफी वॉफी अच्छा अच्छा वाह ये तो जी बोन फायर अपनी जल गई है किचन अभी सेटअप हो रहा है सर टेंट वेंट सेटअप हो गया लाइटें लग गई है और अभी थोड़ी बहुत देख रहे हैं और लगाएं क्या या इनफ है अभी कुछ लाइटें डिम भी की हुई हैं हमने। तो भाई इतना कुछ सेटअप हो गया है आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको सुबह एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में मतलब रात का भी दिखाएंगे उसमें अभी हम और क्या क्या करने वाले हैं सारा आपको दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।